व्हाट्सअप गाइस, स्वागत आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, ना मुझे समझ आ रहा है कि सीन क्या है। सर का मेरे पास कॉल आया था और सर ने मेरे को बोला कि मैं एज अ कोच अब से ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। बाकी सर ने मेरे को बोला बाकी की चीज़ें मैं आके बात करूँगा, क्या सीन है। पता नहीं सर का क्या सीन है भाई। और आप देख ही रहे हो, जब से मैंने मतलब बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल करना स्टार्ट किया है, तब से सर ही मेरे को ट्रेन करते हैं। नॉट एज अ कोच, एज अ ब्रदर हमेशा मेरे को ट्रीट करते हैं। मेरी हेल्थ का ध्यान रखना, मेरी बॉडी का ध्यान रखना, और उनके अलावा हर चीज़ का। और उनके अलावा मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई और, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। और सर ने मेरे को ये भी क्लियर नहीं किया कि सीन क्या है। सर ने बोला मैं एज अ कोच अब से ट्रेन नहीं करूँगा, बाकी की जो बात है वो आके बताऊँगा क्या सीन है। क्या बोलूँ भाई। और मैं तो अभी सर से ना पिछला जो मेरा सेशन था तो सर से वही बात कर रहा था कि सर शेरू क्लासिक की डेट आ गई है, अब की बार आपको ये सब कुछ सिखाना है, क्योंकि मैं क्लासिक फिजिक में स्विच कर रहा हूँ ना भाइयों। तो सर आर्नोल्ड क्लासिक में भी गए हैं, वहाँ पर मेडल भी आया सर का, तो सारी पोजिंग वगैरह सर ही सिखाएंगे। सारी बातें चल रही थी हमारी, और पता नहीं पर सर ने ये बोला कि मैं आके बात करूँगा क्या सीन है। पता नहीं क्या सीन है भाइयों, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सीन सोच के कि क्या सीन हुआ है। भाइयों अभी तो जा रहे हैं वर्कआउट करने, वो मेरा प्लान खत्म होने वाला है जो सर ने 4 हफ्ते का वर्कआउट प्लान बना के दिया हुआ है। शोल्डर वर्कआउट रहता है लास्ट। मैं तो ये सोच रहा था अब नया प्लान बना के देंगे सर, और सर पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर बोल रहे हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा फिलहाल तो मैं बोल लूं क्या। मतलब यार सर ने एक्चुअली मेरे लिए बहुत कुछ करा है एज अ कोच। मतलब मैं आज तक देखता हूँ ना 1.5 साल में, मतलब इतनी दूर से मेरे को ट्रेन करने आना और सब कुछ छोड़ देना मेरे कंपटीशन के टाइम पे, सिर्फ मेरे पर फोकस करना, मेरी हेल्थ पर ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ें यार जो किसी को मतलब नहीं होती यार आजकल किसी को। मतलब और तो और क्या यार, सगे भाइयों को भी इतना वो नहीं होता कि ठीक है यार, ठीक है एक बार में ऐसे हो जाता है ठीक है, पर सर को कभी नहीं होता ऐसे। पता नहीं यार क्या बात हुई है, क्या प्लान है सर के। सर का मन वैसे ऑस्ट्रेलिया जाने का भी था बहुत टाइम से यार बू मेरी तैयारी कैसे होगी, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं तो चला जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया अगर ऐसा हुआ तो, मतलब तुम भी चल लेना। अगर कुछ ऐसा प्लान हुआ, क्योंकि मतलब और समझ नहीं आता क्या रीजन हो सकता है। तो भाइयों पहुंच गया है बेस्ट जिम इन इंडिया में वर्कआउट करने, आरके फिटनेस में, आरके फिटनेस बाय रोहित खत्री। चलो बु आज जिम में ही नहाने का प्लान है जिम का। मैं 2 दिन से ये थैला लेके घूम रही हूँ। भाइयों मेरे को जिम में आए हुए 1 घंटा हो चुका है, मेरा मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, बट करना पड़ेगा। सर ने प्लान दिया हुआ है, सर ने मेरे को कॉल पर बोला था कि जो प्लान दिया है कम से कम उसको पूरा ख़त्म कर ले। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं तैयारी कैसे करूँगा। बाकी पता नहीं यार, सर आएंगे जब ही पता चलेगा कि क्या सीन हुआ है। सर मेरे को क्यों बोल रहे थे कि अब से मैं एज अ कोच ट्रेन नहीं करूँगा। फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ भाई, डॉक्टर चॉइस का बल्क किंग, ये एज अ मील रिप्लेसमेंट शेक लेता हूँ मैं। अब जैसे मेरा कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं है, तो है तो ये एज अ गेनर जिनको मास गेन करना है, बट आप इसे एज अ मील रिप्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलाया गया है, साथ साथ इसमें MCT ऑयल है। ये क्या करता है आपके बॉडी में देर तक आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत बढ़िया। मतलब जब ये बल्क किंग आया था मैंने डाला था कि भाई मैं बल्क किंग यूज़ करने लग गया हूँ, इनका ये सोल्ड आउट हो गया था। और डॉक्टर चॉइस का ये पहला प्रोडक्ट होगा जिसका प्राइस 999 रुपये से स्टार्ट होता है,
क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट की जो रेंज है वो बहुत ही मतलब बढ़िया रहती है, तो ये सोल्ड हो जाता है जब भी आता है। अभी मिल रहा है ये, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। और बल्किंग के साथ आपको मिलता है ये डॉक्टर चॉइस का एक बढ़िया सा शेकर, और इसकी एक सर्विंग में आपको मिलता है 60 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम क्रिएटिन, 5 ग्राम एल-ग्लूटामाइन, 2 ग्राम MCT ऑयल। घर पे रखा है मेरे पास कैडबेरी, ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट खा रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया है। अब मेरे को ऐसे देखकर थोड़ा थोड़ा लो फील हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि क्या होगा मेरी कोचिंग का। और इसकी मिक्सिबिलिटी इतनी बढ़िया, मैं भूल जाता हूँ कि ये मतलब एज अ गेनर यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि गेनर है ना मिक्स नहीं होते, और मैंने जस्ट ऐसे ही 2-3 बार शेक किया और अच्छे से मिक्स हो गया। भाइयों मेरा बिल्कुल मन नहीं आज, पता नहीं क्यों, जबकि आज तो मैंने शॉट भी लिया हुआ है सामान का, फिर भी मन नहीं कर रहा। तो भाइयों स्टार्ट कर रहे हैं अपना शोल्डर का वर्कआउट बारबेल प्रेसेस से। सच बताऊं ना भाई, मेरा मन कर रहा है मैं वर्कआउट छोड़ के है ना अभी सर के घर चला जाऊं पूछने कि सर क्या सीन है, क्यों बोल रहे हो आप मेरे को आज कि मैं एज अ कोच ट्रेन नहीं करूंगा। मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कुछ सीन सान हो गया, तो फिर तैयारी कैसे होगी शेरू क्लासिक की। 18 जून के आसपास शेरू क्लासिक है, 5 महीने मैंने सोचा था तैयारी करूँगा बढ़िया से, पर सर बोल रहे हैं कि अपना वर्कआउट पूरा कर ले, मैं आ जाऊँगा बात कर लूँगा बता दूंगा क्या सीन है, टेंशन मत ले। चलो भाई अब बोल रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे सर। भाई कोच के बिना ना तैयारी करना इम्पॉसिबल है, मतलब जिस इंसान को बढ़िया कोच मिल जाए जैसे मेरे को मिला हुआ है उसके लिए तो बढ़िया ही है कि अच्छे से तैयारी हो सकती है, डाइट वर्कआउट हर चीज़ बढ़िया से हो सकती है। और जिस इंसान को गलत कोच मिल जाए ना भाई, उसकी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि इतना सारा स्टीरोइड्स बॉडी में डालना, मतलब कोई होना चाहिए गाइडेंस अच्छी। इसलिए मेरे को अजीब लग रहा है कि मैं एडजस्ट नहीं कर सकता भाई अपनी हेल्थ से, मेरे को एक ही इंसान पे ट्रस्ट है भाई। वो बॉडी बिल्डिंग है ना, मजाक नहीं है भाई, मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है भाई। क्रिकेट में आप अपनी स्किल्स अच्छी कर सकते हो, फुटबॉल में आप अपनी स्किल्स अच्छी कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें आप स्किल्स अच्छी कर सकते हो, बट बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पर आप बिना एनहेंसमेंट के कुछ नहीं कर सकते, आपको मतलब स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं। और मतलब मैंने जेन्युइनली अपने जिम में बहुत सारे लोग आते हुए देखे हैं जिनको बोल मतलब जो मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हम गलत कोच की गाइडेंस में फंस गए थे, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता उनके साथ क्या क्या सीन हो रखा है। तो बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है बॉडी बिल्डिंग, और हर एथलीट को देख को मेरे को अच्छा ही लगता है, मतलब जो एथलीट बढ़िया बॉडी बनाता है कि भाई इसने कितनी मेहनत कर रखी होगी। तो भाई बॉडी बिल्डिंग बहुत मुश्किल स्पोर्ट्स है भाई। अब मेरे को देख लो भाई, मैं इतना फ्री माइंड से कर रहा था, और जैसे ही मेरे दिमाग में आया ना कि क्या सर मेरे को कोचिंग देंगे या नहीं, या मेरे को कोच चेंज करने पड़ेंगे, मतलब मेरा सारा शेरू क्लासिक की तैयारी जो मेरी जून में कंपटीशन है मेरी तैयारी स्टार्ट है, फिर मैंने अमेचर ओलंपिया और प्रो शो भी हो रहा है जून में, सारी प्लानिंग ऐसे होगी मिक्स होगी कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्योंकि एक कोच जब आपको लंबे टाइम तक ट्रेन करता है ना, उसको पता होता है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस करने हैं, कितना सामान आपको ज़रूरत है, कितने सामान की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई सेट करते हैं। करेंगे साथ साथ आर्नोल्ड प्रेसिस के 2 सेट, 2 से 3 सेट विदाउट रेस्ट।
लोगों को लगता है कि तैयारी फिजिकली ज़्यादा वो है मुश्किल कि आप डाइट क्या ले रहे हो, वर्कआउट क्या ले रहे हो, बट इट्स नॉट अबाउट मतलब मेंटली. अगर आपको यहाँ से अच्छा फील नहीं होगा ना अंदर से तैयारी करते हुए, आप कभी बढ़िया फील नहीं करोगे, मतलब पंप ही नहीं आएगा आपको. आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल बढ़ गया ना, मतलब आप घबराए हुए हो या आपको आप किसी चीज़ की टेंशन में हो, आपको पंप नहीं आ पाएगा कभी, चाहे आप कितना भी सामान आपने ले रखा हो. जब लोग पीक करते हैं ना कंपटीशन के टाइम स्टेज पर, अगर वो बहुत घबरा जाते हैं ना तो उनकी बॉडी में पंप नहीं आता, चाहे वो कुछ भी कर ले. अगर आप रिलैक्स हो, आपका दिमाग रिलैक्स है, आप बहुत बढ़िया पंप आएगा आपको बिना किसी चीज़ के. कुछ भी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. साइड रेजेस डंबल से वर्कआउट तो भाई करना ही पड़ेगा बढ़िया. चलो साइड रेजेस भी हो गए, अब कर रहे हैं फ्रंट शोल्डर को ट्रेन. करेंगे रोप से, क्योंकि मेरे को डंबल से ज़्यादा इफेक्ट नहीं फील होता, तो सर ने बोला था मेरे को कि मैं रोप से करूँ. तो भाइयों अब कर रहे हम रियर डेल्ट को ट्रेन. तो मैंने एक एक्सरसाइज निकाली थी जिसमें ये दो चीज़ें आप लगा लेते हो और दो दो प्लेट लगाई. मेरे रियर डेल्ट पे है ना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता कभी किसी चीज़ से, बट ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है. ऐसे किया एंड पीछे पीछे. ये लास्ट सेट होने वाला है मेरा, सच बताऊँ मेरा पंप भी मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, फील नहीं हो रहा है, और मेरा मन भी नहीं है. जब तक मैं सर से बात नहीं कर लूँगा ना, जब तक मेरा मन भी नहीं करेगा वर्कआउट करने का. चलो लास्ट सेट लेते हैं भाई. बॉडी देख लेता हूँ यार कैसी वर्क किया. तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है भाइयों, मतलब ये देखो जून में कंपटीशन है और अभी से मेरी बॉडी ऐसी हो रखी है. तो मतलब कितनी बढ़िया मैं डाइट ले रहा हूँ, कितना बढ़िया वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ कितना प्रॉपर तरीके से चल रहा है. देखो भाई बॉडी फिलहाल आज आपको थोड़ा कन्फ्यूज सा लग रहा हूँ चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज हूँ. सर ने कन्फ्यूज कर दिया मेरे को ये बोल के कि मैं आज से एज अ कोच ट्रेन नहीं करूँगा. मुझे पता है कि डाइट वर्कआउट तो सर दे ही देंगे, पर पता नहीं क्या सीन है, वो मिलके ही पता चलेगा. देखना भाई बॉडी ठीक ठाक आ रही है. कंप्लीट, अब मैं अपना मील ले रहा हूँ. तो भाइयों मैं ले रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील. वर्कआउट ठीक ठाक हुआ यार, पता नहीं क्यों मन सा नहीं हो रहा, मतलब पंप नहीं आ रहा बॉडी पे. दिमाग वही है कि क्या हुआ भाई. बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा क्या हो गया भाई, कोच ही तो है,
बहुत होंगे कोच तो, पर मेरे को चाहिए नहीं भाई, पता नहीं क्या सीन है। चलो भाई फिलहाल खाना खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। तो भाई वो घर आ चुके हैं और सर से मेरी बात हुई थी। सर बोल रहे हैं मैं आके ही बात करूंगा, मेरे को लग रहा है सर शायद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं अपने भाई के पास, सर पहले भी जा चुके हैं। बाकी भाई पता चलेगा जब भी सर आएंगे, एक दो दिन में बोल रहे हैं मैं आऊंगा तब बात करते हैं। मैं बस ये सोच के भाई परेशान हूँ कि भाई तैयारी कैसे होगी यार, मतलब मेरी बॉडी इतनी बढ़िया है, कौन तो कोच होगा, कौन क्या करेगा। तो भाई अब बारी है मील लेने की, चलो भाई देखा जाएगा जो भी होगा जैसा भी होगा। बाकी यार अंकुर सर अलग लेवल के कोच है और हमेशा रहेंगे। बाकी अब पता नहीं, चलो मैं चावल खा लेता हूँ, मेरी लास्ट मील है। देना वो चावल चिकन, मील तो मैं प्रॉपर ले रहा हूँ, डाइट भी प्रॉपर से कर रहा हूँ। तो ये भाई मेरी नेक्स्ट मील खा लेता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होना है इसका, शेरू क्लासिक का, क्योंकि मेरी बॉडी अभी 85 kg, 86 kg के आसपास है, लीन है, आप देख रहे हो वीडियोस में, डाइट मैंने अच्छे से कर रखी है। अब देखते हैं भाई, जान तो पूरी लगानी है, कुछ भी हो जाए खेलना तो है ही मेरे को, क्योंकि एट द एंड तो जो गोल है वो है प्रो कार्ड शेरू क्लासिक में। इसी बात पे मील ले ली जाए, क्योंकि डाइट सब कुछ है। अगर मैं अभी मूड ख़राब करके डाइट वाइट नहीं खाऊंगा, मेरी बॉडी को इफेक्ट करेगा वो मेरे को बाद में पता चलेगा कि मैंने क्यों अपनी मील नहीं ली। कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर निकलेगा। तो फिलहाल बाकी भाइयों आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, देखते हैं चावल कब है वो, है ना। चलो भाइयों मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या सीन है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटा दिख रहा होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी आपका भाई वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको पता चले कि भाई की वीडियो आ गई है। कमेंट में बता देना भाई आपका कोई भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट एपिसोड में आंसर दूंगा भाई किसी एक इंसान का। भाई आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टिल नॉट पीस गेंस।